भगवान जी, किस बात की सजा दे रहे हो बम्बी जी को? अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो अब कम से कम उनके बच्चों के बारे में तो सोचिए ना। राजीव, अमित वीर जी, उनकी क्या गलती है? आपने उनका हाल देखा है? हो सकता है मम्मी जी ने कुछ गलत किया, लेकिन मैंने हमेशा अपना हर एक कदम संभाल के आगे रखा, किसी का कभी दिल नहीं दुखा है। और अगर आज तक मैंने कुछ भी अच्छा किया हो ना। शो की कहानियां आगे बढ़ती हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी है वो पूरी कोशिश कर रही है अपनी सांस के लिए खून लाने की। दूसरी तरफ कुछ हो जाता है ऐसा जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं गुरविंदर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर शल भी बोलता है नीति से, अरे तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, हमें तो उनके लिए प्रार्थना करनी है ना। तो प्लीज प्लीज मेरे उन सारे अच्छे कर्मों का फल मम्मी जी को दे दीजिए, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए, प्लीज। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भगवान जी, और मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाली। दादी, ये तो वही दीदी जिन्होंने उस दिन मुझे डूबने से बचाया था। अच्छा, चल एक बार मैं भी थैंक यू बोलूं। क्या हुआ बेटी? उनकी सास है ना, वो आईसीयू बेड में है और वो अपनी मौत से लड़ रही है। उन्हें खून की जरूरत है और खून कहीं नहीं मिल रहा है। मैं उन्हें अपना खून दे दूंगा। तो इतने में ताई जी बोलते हैं चलो शाल पुत्र हम चलते हैं, ये आ जाएंगे। और वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर बोल देते हैं मात्र 1 घंटा है, अब भी खून की कमी है, अगर ये कमी पूरी नहीं हो पाई 1 घंटे में तो इनकी जान चली जाएगी। अब परी जो है जुगाड़ लगाती है और यहाँ पर ब्लड बैंक लेकर आती है, और यहाँ पर ब्लड जब लेकर आती है परी, अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है और वो सारा ब्लड उन लोगों के सामने गिर जाता है। एक एक बूंद उस ब्लड की इतनी कीमती लग रही है, क्योंकि वो खून जो गुरविंदर के चरणा था, जिससे गुरविंदर की जान बचती थी, वो खून सारा का सारा फर्श पर गिर गया। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार गुरविंदर की जान बच पाएगी या फिर नहीं, या फिर नीति ने जो प्रार्थना कर रही है वो भारी पड़ जाएगी। जी हाँ, जहां पर घर वालों ने भी प्रेयर करी है, नीति ने भी प्रेयर करी है कि माता रानी मेरा साथ देना। देखते हैं माता रानी किसका साथ देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।